या नहीं तो वी आर यस यस स्टार्टिंग. 5 साल यस सर मंथ्स या या प्लीज स्टार्ट सर ये लाइव. थैंक यू रितु. सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहित राठौर फ्रॉम डॉक्टर रेड्डीज एंड आई वेलकम यू फॉर टुडेज प्रोग्राम. एंड वी हैव आवर एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर अनिल गुंजू सर विद अस. ही इज लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिकॉज आई बिलीव एवरीवन नोज डॉक्टर अनिल गुंजू सर फॉर हिज एस्थेटिक्स स्किल्स एंड यू नो लॉट ऑफ पब्लिकेशंस. To just give a brief introduction, he's a recipient of a very prestigious award, Dr. Sardari Lal Memorial Lifetime Achievement Awards, which was awarded to him by IDVL of DSP. And he also heads the Department of Dermatology in several prestigious Delhi institutes. And he's president of SARC AAD and past vice president of IDVL National and past President of IADVL DSB. He has also chaired a lot of scientific aesthetic programs. He's a chief organizer and hands-off instructor of the Aestheticon from 2010 to 2020 in New Delhi, and has been trained in many young inspiring dermatologists in various aesthetic procedures and laser surgeries. He has also authored a lot of chapters in several textbooks of dermatology and cosmetology and laser. And he's a reviewer in the journal of ACSI. So let me introduce sir. Thank you, sir, for, first of all, for accepting this. And going forward, I would give the session to you. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, Dr. Rohit. And thank you, IJCP. And thank you, Dr. Reddy's, for giving me this opportunity to connect to such a large audience all across the country. We are going to talk about fungal infections and their management and the way they have evolved over the recent past. We are particularly going to talk about management of this disease and the association of this disease with pruritus and management of pruritus, I mean the itching that is associated. So, friends, main koshish karunga ki jitna ho sake Hindi mein bolu so that I reach to as much audience as possible across the country. So, aaj hum fungal infections ke bare mein baat karenge. Fungal infections, jo superficial fungal infections hote hain, skin ki upri satah mein hote hain. They are very, very superficial. Ye skin ke अपर मोस्ट लेयर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है जिसमें केराटिन होता है उससे नीचे नहीं जाता यूजुअली जनरली अनलेस अंडर देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जनरली इट्स अ वेरी सुपरफिशियल इन्फेक्शन. सो एज आई टोल्ड यू ये इन्फेक्शन जो है ये बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर्स में होता है. इट टिपिकली हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग जैसे आपने देखा इसको रिंग वर्म भी बोलते हैं एंड स्किन इज अफेक्टेड नेल अफेक्ट होते हैं और हेयर्स में भी ये इन्फेक्शन होता है. जनरली इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डर्मेटोफाइट्स और यीस्ट और मोल्ड्स. नाउ इन द रीसेंट पास्ट हमने देखा है कि ये डिजीज काफी ज्यादा फैल गई है नॉट ओनली इन आर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. द प्रेवलेंस हैज इंक्रीज टू द ट्यून ऑफ अबाउट 20-25%. सो 20-25% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस डिजीज से अफेक्टेड हैं. जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं अमंग्स दी फंगाई दे आर दी कॉमनेस्ट कॉज ऑफ दीज सुपरफिशियल इन्फेक्शंस. और जो कॉमन डर्मेटोफाइट्स होते हैं ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन ये अफेक्ट करते हैं या स्किन या नेल्स या हेयर्स को या दोनों को या तीनों को. जैसे मैंने बोला हमारी कंट्री में भी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक एपिडेमिक आया हुआ है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का. इसके कई कारण हैं और स्टीरॉयड एब्यूज एक कारण है. तो बहुत ज़रूरी है एक चीज़ समझना कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो और हमें डेफिनेटली पता है कि इन्फेक्शन है स्टीरॉयड क्रीम्स और स्टीरॉयड एप्लीकेशन अवॉइड करने चाहिए जितना पॉसिबल हो. स्टीरॉयड एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है डिजीज़ के लिए. अल्टीमेटली वो बस एक सप्रेशन होता है इन्फ्लेमेशन का और सिम्टम्स का और इन्फेक्शन उससे एक्चुअली बढ़ के आता है वापस. सो देयर इज अ रिजर्जेंस ऑफ इन्फेक्शन विच कैन बी मोर सिवियर. इन इंडिया ऑल्सो प्रेविलेंस लगभग 27% के करीब
कैलकुलेट की गई है और इसमें से मोस्टली डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन होते हैं. जैसे मैंने बोला कॉमन डर्मेटोफाइट्स माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन होता है और यही तीन तरह के डर्मेटोफाइट्स जो हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन करते हैं. फंगल इन्फेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द बॉडी दे इन्वॉल्व. इट कैन बी तीन या फेशी, जबकि फेस इन्वॉल्व होता है, मैनम जब हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्पोरिस बॉडी का इन्फेक्शन, क्रूरिस ग्रॉइंस का इन्फेक्शन, पीडिस फीट का इन्फेक्शन, कैपिटिस स्कैल्प का इन्फेक्शन, एंड अंगम इज नेल्स का इन्फेक्शन. ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम कॉमनेस्ट कॉज होता है आउट ऑफ ऑल द डर्मेटोफाइट स्पीसीज इस डिजीज को कॉज करने में. अब लेट्स सी क्लिनिकली किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है. मैंने बोला आपको टीनिया कॉर्पोरस जो है वो बॉडी को, बॉडी सरफेस को, कहीं पे भी बॉडी सरफेस को अफेक्ट कर सकता है और ये टिपिकली एक रिंग की तरह होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिंग वर्म. और रिंग की तरह बनता है और रिंग की तरह फैलता है. जो रिंग का एज होता है वो सबसे एक्टिव पार्ट होता है, वहां पे मैक्सिमम फंगस होता है, वहां पे मैक्सिमम स्केलिंग एरिडेमा और इंड्यूरेशन होती है. और वहीं से हम अगर कुछ स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है वहीं से करें हम कलेक्ट, क्योंकि वहां पे ज्यादा लाइकलीहुड होता है फंगस के होने का. सो आप ये रिंग देख रहे हैं, इसके एज पे जो है सबसे थिकंड एरिया है, सबसे स्केली एरिया है और सेंट्रल एरिया में क्लियरेंस होती है. सो एक टिपिकल रिंग बन जाता है और जैसे जैसे ये रिंग बढ़ता जाता है सेंट्रल एरिया क्लियर होता जाता है और अल्टीमेटली सेंट्रल एरिया बिल्कुल नॉर्मल स्किन की तरह लग सकता है या थोड़ा सा पिगमेंटेशन का डिस्टर्बेंस हो सकता है. टीनिया क्रूरिस हम तब बोलते हैं जब यही इन्फेक्शन ग्रॉइंस में होता है और क्योंकि ग्रॉइंस काफी स्वेटी होती हैं तो यहाँ पे उतनी स्केलिंग नहीं होती है, थोड़ी मैसरेशन होती है. बट टिपिकली आप एक एज देख सकते हैं इसका, जैसे रिंग का आपने एज वहां देखा टीनिया कॉर्पोरिस में, यहाँ पे भी एक एज है जो एक्टिव है, थिक है. तो जैसे ही आप एज देखते हैं एक सडन नॉर्मलाइजेशन ऑफ द लीजन और एक एज दिखता है, वहां पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं टीनिया क्रूरिस की. अब फीट पे जब ये इन्फेक्शन आता है उसको टीनिया पीडिस बोलते हैं, एथलीट्स फुट बोलते हैं. यहाँ पे फिंगर्स के बीच में इन्फेक्शन हो सकता है जब इंटरडिजिटल फॉर्म होता है, यहाँ पे पूरे फुट को इन्वॉल्व करे तो मोकेशन फॉर्म होता है, या कई बार छोटे छोटे फफोले वगैरह आ जाते हैं जिसको वेसिकुलोबुलस फॉर्म बोलते हैं. नाखून के इन्वॉल्वमेंट को टीनिया अंगम बोलते हैं और इसमें नाखून थिकन हो जाता है, डिसकलर हो जाता है, डिस्ट्रोफिक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, इजिली ब्रेकेबल हो जाता है और टिपिकली एक नाखून के नीचे काफी थिकनिंग हो जाती है और कलेक्शन हो जाती है जिसको हम सब अंगुअल हाइपरकेराटोसिस बोलते हैं. सब अंगल हाइपरकेराटोसिस का होना एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है टू द डायग्नोसिस ऑफ टीनिया अंगम. अगर आपको सब अंगल हाइपरकेराटोसिस मिलता है देन देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि आपको ये फंगल इन्फेक्शन, आप फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज कर सकते हैं. ऑल्सो जब इन्फेक्शन एसिमेट्रिकल होता है या यूनिलैटरल होता है, या एक ही नाखून में होता है या एसिमेट्रिकली दोनों तरफ होता है, तब हम टीनिया अंगम की तरफ ज्यादा डायग्नोसिस बनाने की तरफ जाते हैं. जब स्कैल्प इन्वॉल्व होता है, बाल इन्वॉल्व होते हैं और सिर के बाल और स्किन इन्वॉल्व, उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं और ये कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है, एडल्ट्स में वेरी अनकॉमन. हेयर अफेक्ट हो सकता है जिसमें हेयर की ब्रेकेज हो जाती है और आपको बॉल्ड एरियाज दिखेंगे विद ब्लैक डॉट्स जो ब्रोकन हेयर होंगे, या फिर द स्कैल्प इज अफेक्टेड जब आपको एक डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट सारे स्कैल्प की दिखाई देगी, इचिंग दिखाई देगी. कई बार एक थिकंड बॉगी स्वेलिंग होती है सिर के अंदर, उसको कीरियन बोलते हैं और ये काफी सिवियर फंगल इन्फेक्शन होता है और इसमें परमानेंट हेयर लॉस का भी होने का खतरा होता है. जब टीनिया इन्फेक्शन फेस पे होता है उसको टीनिया फेशिया बोलते हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखें ये लीजन जो है टिपिकली एक रिंग की तरह है, इसका एज काफी एक्टिव है और सेंट्रल एरिया क्लियर है. सो जब भी आपको कोई लीजन दिखे जो सडनली एब्रप्टली एंड हो जाता है विद अ प्रोमिनेंट एज, देन द डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन और टीनिया इज वेरी वेरी लाइकली. तो यहाँ पे हम टीनिया फेशिया देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक रिंग शेप लीजन है, एज है, सेंट्रल क्लियर. ये टीनिया मैनम है जहाँ पे थिकनिंग है स्किन की. आप इंटर डिजिटल मतलब फिंगर्स के बीच में भी इन्फेक्शन देख सकते हैं, कई बार मैसरेशन देख सकते हैं, इचिंग देख सकते हैं.
इसमें भी अगर एक हैंड का इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत लाइकली है कि फंगल इन्फेक्शन है, अगर दोनों का है तो आपको और डायग्नोसिस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फंगल इन्फेक्शन के साथ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कीरियन एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो सिवियर होता है, बॉगी स्वेलिंग सिर में कर देता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बना देता है, कई बार एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है पूरी बॉडी में जब फंगल इन्फेक्शन सिवियर होता है, उसको एक डर्मेटोफाइटीड बोलते हैं या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन टू अ फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो एक जगह पे फंगल इन्फेक्शन है बट ऑल ओवर द बॉडी यू हैव एन इची रैश, यू हैव स्मॉल स्मॉल पैप्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिवियर इच, दिस इज नोन एज अ डर्मेटोफाइटीड। एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैं बता दूं, जनरली जो है डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन बहुत ही सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन में रहते हैं, बट रेयरली अगर कंडीशंस उस तरह के हों जैसे पेशेंट का इम्यून स्टेटस ठीक नहीं हो या उस जगह पे ट्रॉमा हो जाए जैसे डायबिटीज हो या पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर पेशेंट है, इन पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन हेयर फॉलिकल के थ्रू डीप चला जाता है और नोड्यूलर स्वेलिंग्स बना सकता है। नॉर्मली तो इट इज जस्ट सुपरफिशियल और स्केली है, थोड़ा रेड है, पैच है, प्लाक है, बट यहाँ पे नोड्यूल्स बना सकते, दिस इज नोन एज माजोकीज ग्रैंडुलोमा और कई बार इसमें एब्सेसेस भी हो जाते हैं। सो हाउ डू वी डायग्नोज फंगल इन्फेक्शन? सिंपल, आपको मैंने बोला एक हिस्ट्री है पेशेंट को इचिंग की, और जैसे ही आपने लीजन को देखा, इफ यू सी अ रिंग शेप्ड लीजन विद अ प्रोमिनेंट एज, स्केलिंग, सेंट्रल क्लियरेंस, दैट पॉइंट्स टू अ डायग्नोसिस ऑफ टीनिया और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। सो वेरी इजी टू मेक unless steroids etc have been applied and then it has changed its morphology, magar most of the time aap dekhenge ek lesion hoga jo ek ring ki tarah hoga ya patch ki tarah hoga jo abruptly ek jagah end ho jayega aur edge aap dekhenge ki thoda sa prominent hoga central area se, to aap diagnosis bana sakte hain। to diagnosis generally clinical hoti hai but kuch laboratory tests bhi hum kar sakte hain to confirm the diagnosis, aur ek zaruri ek useful test hota hai पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, वेरी इजी टेस्ट टू डू इन इन एन ऑफिस सेटिंग, जस्ट एक स्क्रेपिंग लेनी होती है लीजन के एज से या फिर नाखून के नीचे से उस हाइपरकेराटोटिक मटेरियल से, या नेल क्लिपिंग आप ले लेंगे या थोड़ा सा स्क्रेप ऑफ कर देंगे लीजन को, उसकी स्केल्स ले लेंगे, उसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 10 या 20% सोल्यूशन में डालेंगे, विल कीप इट फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू वन आवर, उसको उसमें डालने से ये KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से केराटोलिटिक, मतलब ये जो स्किन का जो केराटिन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और इन फंगल एलिमेंट्स को रिलीज करता है। जब आप एक स्लाइड के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके अंदर ये स्क्रेपिंग डाली, आपने हाफ एन आवर वेट किया, इट रिलीजेस दीज फिलामेंट्स, ये फिलामेंट रिलीज हो जाते हैं, उसके ऊपर आप एक कवर स्लिप रखते हैं 10 माइक्रोस्कोप के नीचे, पहले 10x में फिर 40x में देखते हैं, यू कैन सी typical filamentous, ये typical filamentous you know pattern you will see, these are the fungal hyphae, and अगर आपको further confirmation चाहिए then we do a culture of the scrapings or the material जैसे nail clippings etc। culture भी special होता है इसका, उसका medium जो use करते हैं हम उसको sub-rods medium बोलते हैं, इसमें anti bacterials डाले हुए होते हैं so that bacteria do not grow, only the fungus can grow, but the fungal culture as against the bacterial culture grows after a long time, bacterial culture grows in 48 to 72 hours but fungal culture grows in about 3 to 4 weeks, so hame wait karna padta hai 3 se 4 hafte tak iski growth ke liye। to maine already aapko bataya kis tarah se hum ek KOH mount banate hain, ek slide liya, uske upar KOH solution dali, thodi scraping li edge se ya nail ke niche se ya nail clipping, usko dala KOH mein और आधा घंटा वेट किया, वो रिलीज हो गया, उसके ऊपर कवर स्लिप डाली और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इसी तरह कल्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। नाउ व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन जो होता है जनरली ये फंजाई जो होते हैं कई बार हमारे स्किन सरफेस पे होते ही होते हैं, स्पोर्स हमारे एनवायरमेंट में होते ही होते हैं, इनको जब एक conducive atmosphere मिलता है which is a very moist warm atmosphere जो हमारे for example groins में होता है जहाँ पे काफी पसीने आते हैं, काफी high temperatures रहते हैं, या फिर
पांव की उंगलियों के बीच में उन उन पेशेंट्स में जो जूते काफी देर तक पहनते हैं या सिंथेटिक फुटवेयर पहनते हैं, सिंथेटिक सॉक्स पहनते हैं, ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एडिक्वेट हाइजीन मेंटेन किया जाए, स्वेट न कलेक्ट होने दिया जाए इन दीज फोल्ड्स, स्किन इज केप्ट वेरी ड्राई, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज एक्सटेंसिवली। जहाँ हमने एंटीबायोटिक अप्लाई किया, जो कॉमन सेल हमारे नॉर्मल माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं स्किन के ऊपर, वो भी मर जाते हैं और उनके मरने से बाकी ग्रोथ हो जाती है, जैसे फंगस की ग्रोथ हो जाती है। सो इफ यू यूज एंटीबायोटिक्स एक्सटेंसिवली विदाउट एनी राइम और रीजन, देन ऑल्सो देयर विल बी एक्सेसिव फंगल ग्रोथ। सो डोंट यूज एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी राइम और रीजन। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। जनरली यू शुड टेल योर पेशेंट्स नॉट टू वेयर वेरी ऑक्लूसिव और हैवी क्लोदिंग, पर्टिकुलरली इन समर्स। शूज शुड बी यू नो प्रॉपरली फिटिंग, दे शुड नॉट बी टाइट। Socks should be cotton socks, absorbent socks, not synthetic, particularly in summers. Barefoot walking, particularly in public wet floors, like in temples, in gurdwaras, and around swimming pools. Barefoot walking can transmit the disease from one person to another. Similarly, other hygienic factors like keeping the finger nails and toenails short, changing socks and underwear daily, getting the clothes washed in hot water is important in patients of Kenya. Otherwise, that infection can be transmitted to others and the spores can stay on the clothes or usse fir wapas infection ho sakta hai. Athletes ko bolna chahiye ki jab bhi wo apna koi bhi session kare, chahe game ka chahe exercise ka, uske baad shower zarur le taki pasina is washed off, and these athletes etc. should not share their sports gear. I already told you wearing loose fitting clothing etc., non-synthetic clothing etc. goes a long way in preventing the development of fungal infection. Now the fungal infection has happened, let's see kya treatment hum kar sakte hain. Sabse pehle hum antifungal therapy de sakte hain jo ki topical ho sakti hai, lagane wali dawaiyan hoti hain, bahut sari hamare paas available hai, generally they are well tolerated. और अगर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो तो हम इसी से ही कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज को। एंड कॉमनली यूज ड्रग्स आर टर्बिनफिन, ललिकनोजोल, क्लोट्रामाजोल, कीटोकोनाजोल, साइक्लोपिरोक्सोलामीन, एमरोल्फीन, सभी इफेक्टिव हैं, बट ज़्यादातर आजकल हम एजोल्स, ललिकनोजोल, साइक्लोपिरोक्स, एमरोल्फिन ये यूज़ कर रहे हैं, और टर्बिनफिन वगैरह और क्लोट्रामाजोल से रेजिस्टेंस डिवेलप हो चुकी है। जनरली ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 to 6 weeks। और जहाँ डिजीज एक्सटेंसिव होती है, या पेशेंट्स के हेयर में इन्फेक्शन है, या नेल्स में इन्फेक्शन है, या एक्सटेंसिव डिजीज है, या डिजीज पेशेंट में पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम सिस्टमिक थेरेपी भी देते हैं। हमारे पास सिस्टमिक एंटीफंगल्स अवेलेबल हैं, ग्रीजोफल्विन, टर्बिनफिन, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारे हम दे सकते हैं इन एडिशन टू दी टॉपिकल ट्रीटमेंट। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंगल इन्फेक्शन में, जो सिम्टम होता है जो इच का होता है। तो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स विल हैव अ सिवियर इच, बिकॉज फंगाई जो हैं ये इन्वेड करते हैं सुपरफिशियल स्किन सरफेस को, वहाँ पे मास सेल्स होते हैं जो ये साइटोकाइंस लिबरेट करते हैं, मास सेल्स उससे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मास सेल्स ब्रेक डाउन होने से दे लिबरेट हिस्टमीन एंड अदर साइटोकाइंस, एंड हिस्टमीन इंड्यूसेस इच, inflammation and irritation in the area. In addition, जो ये fungal hyphae होते हैं या fungal cells होते हैं, इनके जो metabolic products होते हैं, they diffuse into the epidermis and can directly cause inflammation within the skin. So to control all this, we need to control the itch associated with tinea. It's very important that the itch is controlled, because if the patient keeps on scratching, अगर वो खुजलता रहता है, फर्दर डैमेज हो जाती है स्किन को, और फंगाई को फर्दर पेनिट्रेशन में मदद मिलता है। तो जनरली इच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटी हिस्टमीन या एंटी इच बोल लीजिए इनको, बिकॉज हिस्टमीन मेन मीडिएटर होता है इचिंग का। तो एंटी हिस्टमिनिक ड्रग्स जो हैं वो हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द इच एसोसिएटेड विद फंगल इन्फेक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे
एंटीहिस्टामिन्स हैं, जनरली आजकल सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स यूज होते हैं क्योंकि वो लेस सेडेटिव होते हैं, बट उनकी एफिकेसी इतनी नहीं होती है. वी हैव सेट्रिजीन, वी हैव लियोसेट्रिजीन, लोराटिडीन, डेसलोराटिडीन, फेक्सोफेनिडीन, दीज आर ऑल सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स. एंड वी हैव अ वेरी यूजफुल एंड प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोक्सीजीन. हाइड्रोक्सीजीन हमारा एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है. फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स वर द अर्लियर एंटीहिस्टामिन्स विच वर वेरी यूजफुल बिकॉज ये एंग्जियोलिटिक थे, थोड़े सेडेटिव थे, और रात रात को जो इचिंग पेशेंट को होती थी और डिस्टर्ब पेशेंट्स होते थे उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता था. सो लेट्स लुक एट हाइड्रोक्सीजीन एज अ प्रोमिसिंग मॉलिक्यूल इन मैनेजमेंट ऑफ द इच एसोसिएटेड विद फंगल इन्फेक्शन. जो ये हाइड्रोक्सीजीन है, इट्स अ पिपरिजीन डेरिवेटिव, इट इज एन एंटीहिस्टामिन, इट्स एन एंटी एमेटिक ऑल्सो, मतलब वॉमिटिंग में भी यूज होता है, एंड इट्स एन एंग्जियोलिटिक, एंड इट रिड्यूसेज इचिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट. एक्चुअली इट्स अ प्रोड्रग, इसका मेटाबोलाइट होता है सेटेरिजीन, विच इज अ पोटेंट H1 एंड एंटी एंटागोनिस्ट, एंड वेन वी एडमिनिस्टर हाइड्रोक्सीजीन इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू सेटेरिजीन इन द बॉडी एंड देन ब्लॉक्स द H1 रिसेप्टर्स. इन एडिशन the hydroxyzine also has a property of stabilizing the mast cells so that it reduces the release of histamine from the mast cells. So jaise maine bola aapko, itch basically happens because mast cells degranulate hote hain, basophils degranulate hote hain due to the inflammatory cytokines jo liberate hote hain fungal infection se. Inke degranulation se histamine aur baki inflammatory mediators liberate hote hain. Histamine goes and binds to the H1 receptors in the skin. H1 receptors jab stimulate hote hain to itching hoti hai. So what hydroxyzine does is that it goes and blocks these H1 receptors and does not let histamine get attached to the receptor, so itching nahi hoti hai. In addition to that, hydroxyzine ek negative ya inverse agonism bhi karta hai. What is inverse agonism? It goes and attaches to the हिस्टामिन रिसेप्टर और उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जो उसका थ्रेशहोल्ड होता है टू शूट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको एक्स अमाउंट ऑफ हिस्टामिन चाहिए होता है टू स्टार्ट द इचिंग, इट देन रिक्वायर्स 2x, डबल द अमाउंट ऑफ हिस्टामिन इफ द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर हैज बीन रिड्यूस्ड. दैट्स व्हाट हाइड्रोक्सीजीन डज. दिस इज कॉल्ड इनवर्स एगोनिज्म. मतलब इन एडिशन टू ब्लॉकिंग द हिस्टामिन फ्रॉम गेटिंग अटैच्ड टू द रिसेप्टर, hydroxyzine also reduces the threshold or the reactivity of the receptor to histamine, which is known as inverse agonism. So this is an additional property that it has. So it's very useful in managing. It can be given even in children. बच्चों में भी दिया जा सकता है. Less than 6 years of age, you can give it. Give 50 milligrams a day. Over that age, you can give up to 100 milligrams a day. Also, it has a good safety profile. The only problem is that it has sedating effect also. So generally we use it in the night. There was one study jo ki India mein hi ki gayi thi, jo over 12 weeks hydroxyzine chloride jo diya gaya tha patients of severe itch, jo different skin diseases hoti hain usme jo itch associated hai uske liye hydroxyzine diya tha, aur in patients ko follow up kiya gaya tha, aur isme dekha gaya tha ki quality of life jo tha in patients ka considerably improve hua within 12 weeks of administration of this drug. Also, jo itching hoti thi in patients ki, wo bhi considerably reduced hui over 12 weeks of use. Ek bahut hi important aspect hydroxyzine ka hai, jo ki ye thoda sa sedation aur anxiolytic effect hai iska. It is seen ki jo ye patients of fungal infections hote hain ya baki itch wale patients hote hain, ye raat ko kyunki inko bahut itching hoti hai, so their sleep gets disturbed. So once their sleep gets disturbed, the next day they are groggy, they feel sleepy, they are not alert, they can't attend to their work, so the quality of life gets affected. So hydroxyzine becomes very useful in these settings, kyunki hum isko agar night mein de dete hain, it keeps the itching under control, gives the patient a good sleep, so that next day morning the patient wakes up alert and does not have any problems because of sleep deprivation. So the best combination is giving a second generation non-sedating antihistamine in the morning and hydroxyzine at night. This combination works in multiple ways. One,
does not cause sedation, which is not caused by second generation antihistamine, produces an anxiolytic effect and a slight sedating effect in the night so that the patient does not scratch or itch in the night. So usko sleep disturbance nahi hoti hai, uska sleep deprive nahi hota hai. So the patient can sleep well in the night and get up alert in the morning. So the combination is very useful, and that's what we use mostly. Hydroxyzine has a very favorable pharmacokinetic profile when we give it orally. Jab hum orally isko administer kar dete hain, within 15 to 30 minutes, it starts working. The duration of activity is about 2 to 12 hours. So, हमारे को इसको दिन में 2 से 3 बार देना पड़ता है. It has been seen कि skin concentration is much higher than the plasma concentration. I already told you about this, जो इसका sedative effect है, that is very useful because रात को फिर नींद नहीं affect होती है. तो combine it with second generation antihistamine in the morning, जैसे fexofenadine सुबह दे दिया या loratadine सुबह दे दिया, रात को हाइड्रोक्सीजिन दीजिए. इस कॉम्बिनेशन से आप पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं. एक और स्टडी, डबल ब्लाइंड क्रॉसओवर स्टडी विच वाज डन टू कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स. हम 3 एंटीहिस्टामिन्स, डाइफेनहाइड्रामीन, हाइड्रोक्सीजिन और साइप्रोहेप्टेडीन, इन 3 को कंपेयर किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स. कितनी ये प्रोराइटिस इनहिबिट कर पाते थे, इसमें देखा गया कि इन 3 में से हाइड्रोक्सीजिन फेयर द बेस्ट. इट कुड रिड्यूस द इचिंग द मोस्ट इन दीज पेशेंट्स. अनदर 4-week रैंडमाइज डबल ब्लाइंड स्टडी कंपेयरिंग हाइड्रोक्सीजिन विद सेटिरिजिन एंड डॉक्सिपिन. अगेन द अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ प्रोराइटिस वॉज टू द ट्यून ऑफ 80% विद हाइड्रोक्सीजिन and to the tune of 65% with cetirizine. So hydroxyzine jo hai, it is much stronger inhibitor of itch. Pruritus ko zyada control karta hai rather than other agents. The only problem is ki isme sedation hai. So combine it with a non-sedating antihistamine in the morning and give a sedating antihistamine like hydroxyzine in the night, and usse aapko bahut badhiya effect milega. हाइड्रोक्सीजिन की एक और एडवांटेज है कि ये मल्टीपल डोज फॉर्म्स में अवेलेबल है. वी हैव अ टैबलेट ऑफ 10 एंड 25 मिलीग्राम्स. हमारे पास सिरप है, ड्रॉप्स है, इंजेक्शन है. सो इंजेक्शंस, दिस इज द ओनली एंटीहिस्टामिन व्हिच इज अवेलेबल एज एन इंजेक्शन कंट्ररी टू द सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन. सो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स इफ दे रिक्वायर इमीडिएट कंट्रोल ऑफ इच एंड प्रोराइटिस, then the injection can be given. So you can combine it with other antifungal drugs. There are no interactions with other antifungals. You can combine it with antidiabetics and antihypertensives, which becomes a very useful thing in a polypharmacy kind of setting. So aajkal jo patients hote hain, jo old aged patients hote hain, unke bahut sare dawaiyan chal rahi hoti hain, antidiabetics, antihypertensives. So aisi setting mein ऐसी दवाई दी जाए जो कि उन दवाइयों के साथ इंटरैक्ट ना करे, तो हमारे को एक सेफ्टी फैक्टर रहता है. सिमिलरली हाइड्रोक्सीजिन इज सेफ इन चिल्ड्रन. एनी चाइल्ड अबव द एज ऑफ 6 मंथ्स इट इज सेफ, सो यू कैन इजीली गिव इट इन चिल्ड्रन आल्सो. सो फॉर कंप्लीट रिलीफ ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस यू नीड टू ट्रीट द इच एंड द फंगल इन्फेक्शन. सो अगर आप एंटीफंगल दे रहे हैं लोकली और सिस्टमिकली, डोंट फॉरगेट इच को आपको कंट्रोल करना जरूरी है. That is the most important part of giving relief to the patient. Not only the relief, but also the further damage done to the skin by scratching is taken care of. So patients are waiting for that relief in itch. Give them that relief. To summarize, fungal infections are on the rise. There is an epidemic of fungal infections happening in our country and all over the world. जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ये डर्मेटोफाइट्स की वजह से, यीस्ट की वजह से और मोल्ड्स की वजह से होते हैं. डर्मेटोफाइट्स आर द कॉमनेस्ट. अबाउट 75% ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर बिकॉज ऑफ डर्मेटोफाइट्स. और डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टीनिया फेशियाई फॉर द फेस, मैनम फॉर द हैंड, कॉर्पोरिस बॉडी, क्रूरिस फॉर द ग्रॉइंस, पीडिस फॉर द फीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डायग्नोसिस इज ईजी. आपको जस्ट फिजिकली एग्जामिन करना है. यू कीप योर आईज ओपन and look for that edge, which is the edge which is active, which is infiltrated, which is scaly,
अगर आपको एक एज दिखता है तो देन डायग्नोसिस बिकम्स वेरी वेरी इजी, एंड इफ यू नीड टू गो फर्दर फॉर डायग्नोसिस कंफर्मेशन देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट और रेयरली कल्चर कैन बी डन. एंड मैनेजमेंट में हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होती हैं, जैसे मैंने बताया क्लेनलीनेस, हाइजीन, वेयरिंग लूज फिटिंग क्लोदिंग, अवॉइडिंग ऑक्लूसिव क्लोदिंग, अवॉइडिंग ऑक्लूसिव फुटवेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमारे पास टॉपिकल और सिस्टमिक एंटी फंगल्स हैं दोनों. इचिंग कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है. हाइड्रोक्सीजन इज अ यूजफुल मॉलिक्यूल विच कैन बी कंबाइंड विद अदर नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन्स इन द मॉर्निंग एंड कैन बी गिवन एज अ वेरी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन टू रिड्यूस द एंग्जाइटी, रिड्यूस द स्लीप डिप्राइवेशन एक्सेट्रा. And there are a number of clinical studies available now that show that hydroxyzine is a very, very efficacious molecule, particularly amongst the first generation antihistamines. It improves the quality of life because it reduces pruritus and takes care of the anxiety, etc. Also important is that hydroxyzine can be easily co-administered with antifungals, with antidiabetics, with antihypertensives. There's hardly any drug-to-drug interaction known, so that makes it a very useful drug. Thank you very much, friends. We are open to questions. Over to you, Dr. Rohit. You can take over from here. Thank you, sir. Thank you very much. So going ahead, there are a lot of questions which we have got. One question is, we do get for a fungal infection, triple drug combinations, which are usually with steroids. So, what about them, sir? Absolute no. I talked about it in my presentation also and tried to emphasize in both the languages, English and Hindi, so that everybody understands. You see, our major problem now is the availability of these triple and quadruple combinations where steroids are present, and these steroids give some really immediate relief to the patient. But ultimately, they are just, they just take care of the symptoms, produce a lot of side effects locally, thinning of the skin, decrease in the local immunity in the skin. All that put together ultimately damages the patient's skin and leads to resurgence and recalcitrance of fungal infection. So fungal infection may be seemingly going away after 3 or 4 or 5 applications of the steroid-containing cream. But ultimately, you are doing a lot of damage to the patient by causing severe recalcitrant infection. Not only that, the damage of the skin also in the form of thinning of skin, stria, etc. Yes, sir. So I believe in that case, hydroxyzine can be a safe molecule instead of giving steroids. Yes, you see, combining drugs and taking care of symptoms without using steroids is the art of taking, managing fungal infections properly. So our problem is that the patient is in severe distress and we want to give him relief immediately. He wants relief immediately. Then that makes it a very lucrative choice for physicians to use steroids, at least initially. But what happens is that the patient gets trapped into this steroid business. And once he applies it, he likes it so much, he doesn't come back to the doctor, keeps on applying, and then it becomes a vicious cycle. So if we give the patient good relief with a good antihistamine like hydroxyzine combined with another non-sedating antihistamine in the morning, along with some of the topical agents these days which have anti-inflammatory properties also, like cyclopirox has anti-inflammatory properties, like laleconazole has anti-inflammatory, ibuconazole has anti-inflammatory properties. So if you combine these, you may not need steroids. You can counsel your patient to have patients 3 or 4 days or 5 days of non-steroidal treatment will give them as much relief as steroid would have given them immediately. So just patient counseling and patience on the part of the patient and physician both is important. And combining drugs like antihistamines, like hydroxyzine, gives a lot of relief. Yes, so we have a question. What medicine can we use for insect bite or post-burn itching? Okay, so this is a situation where topical steroid would be useful. But again, you have to counsel your patient not to, what happens is, because in our country,
these drugs are easily available over the counter. If a patient likes a medicine, he can go to any chemist and pick up the medicine anytime and keep on using it lifetime. That's what happens in many of our patients. So it's very important to make the patient aware about the side effects associated with use of steroids. Use them judiciously. Give them a small pack and write it down on the prescription. Don't use beyond my prescription. Then it's okay. So insect bite, right. Allergies, you know, the here we do require steroid as an anti-inflammatory, but we have to be judicious. Yes, sir. Sir, there is another question. Why do we have more pruritus cases in winter season? Okay, winters are associated with a dry skin, and dryness is one situation when itching gets aggravated. So one thing that you can do in patients of one general thing that you can do in patients of patients complaining of itching in winters is that they should be using mild soaps or no soaps at all, not use very hot water baths, use lukewarm baths, and immediately after bath on a damp skin they should use a good moisturizing and emollient cream. So if they do this, to a large extent the itching will be taken care of. But if the itching goes beyond that and goes on to develop eczema, then we may have to medicate the patient in the form of topical steroids and oral antihistamines. Yes, sir. So there is another question. Can we use hydroxyzine in children? Should I take this or? Yeah, please. You do that. In children, you can give it because it has been approved till more than 2 years. That is what, even 1 year they have got in US. The API says that you can give it about 1 year also. So the hydroxyzine, that way it is safe. I think the this family itself, it is much more safer drug as an antihistamines. Of course, I think the sedation part is there, which sir also spoke about, but it's one of the safest drug for metabolism and everything. Yes, sir. So I think there are no more questions. So I think going ahead, we will conclude this session. So let me just thank you, sir, first of all, for a very impressive English presentation, because it was I think that was really great, you know, because you I could see that, you know, the English and the Hindi, that was amazing. I think everyone must have loved your presentation. Thank you very much, sir. And thank you for sharing the knowledge, sir. That is very important. So I would close this session. And before we close the session, a few words from Ganju, sir, about summing up all the fungal infection and everything, if you want to talk about steroids or something. I think before I do that, I should thank Dr. Reddy's and ICJP for this endeavor. And it's really commendable that you are trying to reach to so many people across the country and trying to spread awareness about proper use of medication in different diseases like fungal infections. I think I'll summarize the whole thing by saying that please be aware and beware of the side effects associated with use of topical steroids. Always tell your patients to be very careful with use of steroids, never to use them without doctor's guidance, without the prescription from the doctor. In fungal infections, you have antifungals, both oral and topical, and you should always combine good antihistamines like non-sedating antihistamines, fexofenadine, etc., with hydroxyzine. That gives a lot of relief to the patient. So combine your drugs, avoid steroids, and you'll see that your patients will do quite well. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thank you, Rohit. Thanks.